हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बच्चों, रोज वीडियोस देखिए और जिस दिन का काम है उसी दिन पूरा कर लीजिए, ताकि आपको एक साथ बहुत सारा काम ना करना पड़े और आप जो भी करें पढ़ पढ़ के करें और टाइम दे करके समझ करके करें। तो बच्चों, परीक्षा आ रही है, परीक्षाओं से पहले आप अपना कार्य पूरा कर लेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो बच्चों, इसी के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कल के वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 11। बच्चों, पाठ 11 है क्रिया। तो बच्चों, कल हमने क्रिया पाठ खत्म कर लिया था और हम कर रहे थे बुक के पीछे या पुस्तक के पीछे दिए गए अभ्यास कार्य। तो चलिए बच्चों, जो भी कल हम कर रहे थे उसे करेंगे, उससे पहले जो हमने कल किया था उसे एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आज भी हम क्रिया से संबंधित ही कार्य करेंगे, क्योंकि हमने कल कुछ अभ्यास जो दिए गए उन्हें पूरा नहीं किया था, उसके बाद फिर हम आगे का पाठ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हम कर रहे थे बच्चों पाठ 11 आपके व्याकरण दीपिका का पाठ 11, जो कि है क्रिया। क्रिया का मतलब है वर्ब। क्रिया को इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। यहाँ पे बच्चों, आपने कल पढ़ा कि कोई भी शब्द जिससे हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। तो जितना भी हम काम करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ये सभी क्रिया शब्द हैं। तो कल हमने बहुत सारे क्रिया शब्दों को देखा था, तो चलिए उन सभी शब्दों को एक बार दोहरा लेते हैं पढ़कर, उसके बाद हम अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, जो कल हमने क्रिया शब्दों को देखा था वो है लिखना, पढ़ना, बोलना, नाचना, गाना, सोना, हंसना, कूदना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्रियाएं हैं या क्रिया शब्द हैं या कुछ काम हैं। तो इन सभी शब्दों के जरिए हमें कुछ ना कुछ काम होने का पता चला। तो वह शब्द जिससे हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया। आपको परिभाषा के जरिए मैंने आपको क्रिया शब्द एक बार फिर से दोहरा दिया। चलिए, हमने जो भी कल अभ्यास किया था उसे एक बार दोहरा लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको क्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछले 3 वीडियो से हम क्रिया ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए, हमारा आज का अभ्यास है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कल आखिरी प्रश्न जो किया था इस पाठ का, वो था प्रश्न 3, सही क्रिया पर घेरा बनाओ। तो यहाँ पे चित्र दिए गए थे, चित्रों को देख करके हमने जो क्रिया सही बैठ रही थी वो उस क्रिया पे गोला बना करके हमने वाक्य को पूरा किया था। तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, जैसे चित्र में बालक दिया है, अब बालक क्या कर रहा है? पढ़ता है, हंसता है, दोनों में से जो भी बालक कर रहा है उस पे हम घेरा बनाएंगे और उस वाक्य के साथ लिख करके उस वाक्य को पूरा करेंगे। तो चलिए, सही क्रिया, स पे बड़ी की मात्रा, ही सही क्रिया, क्रिया शब्द, शब्द पर घेरा, पर घ पे एक ही मात्रा, घेरा बनाओ। सही क्रिया शब्द पर घेरा बनाओ, सही क्रिया शब्द पर घेरा बनाओ। तो हमें यहाँ सही क्रिया शब्द कहाँ से पता चलेगा? चित्रों को देख करके पता चलेगा। तो चित्र में बालक क्या कर रहा है? चित्र में बालक हंस रहा है। तो हमारा यहाँ पे पहला वाक्य है बालक, व पे आ की मात्रा, ल और क, बालक। आप देख सकते हैं चित्र में है बालक, बालक के साथ है प, ढ, त पे आ की मात्रा, ता, पढ़ता है या फिर हंसता है, चंद्र बिंदु, स, त पे आ की मात्रा, ता है, बालक पढ़ता है या हंसता है। अब इसमें से आप चित्र देख करके बताएंगे कि बालक चित्र में हंस रहा है या पढ़ रहा है। तो बालक चित्र में हंस रहा है, तो यहाँ पे आप हंसता है, बालक हंसता है पर घेरा बनाएंगे। तो वाक्य में जो शब्द चित्र के आधार पे सही है, उचित है, उसको हम बालक के साथ जोड़ करके वाक्य बनाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, ब पे आ की मात्रा, बा, ल, क, बालक, ह पे चंद्रबिंदु, ह, स, र पे आ की मात्रा,
ता हवे ए की मात्रा है, बालक हंसता है। ये कौन से शब्द है? ये है क्रिया शब्द। इन शब्दों से हमें किसी न किसी काम के होने का पता चलता है। तो यहाँ इस शब्द से हमें किस काम के होने का पता चलता है? यहाँ हमें इन शब्दों से हंसने का काम हो रहा है पता चलता है। बालक हंसने का काम कर रहा है यह हमें पता चलता है। तो हंसता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो वाक्य है, दूसरे वाक्य में हमारे पास है घोड़ा दौड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं घ, घ पे ओ की मात्रा घो, ड पे आ की मात्रा ड़ा, घोड़ा। ये जो घोड़ा है क्या करता है? यहाँ चित्र में देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? चित्र में देख करके समझ में आ रहा है कि घोड़ा जो है वो दौड़ने का काम कर रहा है, यानी दौड़ता है। तो यहाँ पे दौड़ता है या बैठा है, तो यहाँ पे हम दौड़ता है या बैठा है। तो घोड़ा हमें बैठा हुआ तो नहीं दिख रहा है, हमें खड़ा है और दौड़ने के स्थिति में नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी जो पूंछ है वो हवा में है और पैर भी एक मतलब एक एक स्थिति में नहीं है, सब अलग अलग इधर उधर है। इसका मतलब वो दौड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घोड़ा दौड़ता है सही होगा। तो आप यहाँ पे दौड़ता है के ऊपर गोला बनाने की बनाएंगे। तो अब वाक्य हमारा बना घ पे ओ की मात्रा घो, ड पे आ की मात्रा ड़ा, घोड़ा। द पे ओ की मात्रा दौड़ता है। मैं आपको दोबारा वाक्य बना के दे रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का की परेशानी ना हो, आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम गोला बनाएंगे जैसे कि हमने ऊपर बनाया था, यहाँ पर भी हमने गोला बनाया और घोड़ा दौड़ता है। तो ये हो गया आपका क्रिया शब्द। उसके बाद तीसरा हमारा वाक्य है बच्चों, मोर नाचता है गाता है। अब मोर ने पंख फैलाए हैं, वैसे भी मोर गाता तो है नहीं, मोर नाचता ही है और मोर ने अपने पंख फैलाए हैं। मोर पता है अपने पंख कब फैलाता है? जब उसे नाचना होता है, जब वो बहुत खुश होता है तो अपने पंखों को फैला करके वो नाचता है। तो यहाँ पे आप मोर का की जो स्थिति है आप देख करके समझ सकते हैं कि मोर नाचने के स्थिति में है, या उसने अपने पंख फैलाए हैं यानी कि वो नाचने जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मापियों की मात्रा मो और र, मोर। मोर क्या कर रहा है? न पे आ की मात्रा ना, च त पे आ की मात्रा ता, ह पे ए की मात्रा है। मोर नाचता है या गाता है। यहाँ पे दूसरा है ग पे आ की मात्रा गा, त पे आ की मात्रा ता है। अब आप सभी जानते हो कि मोर यहाँ पे नाचने के स्थिति में है, यानी कि जो उसे देख के जो हमें समझ में आ रहा है उसकी स्थिति पंख फैले हुए नाचने। वैसे भी मोर गाता नहीं है, नाचता ही है। तो हाँ, तो यहाँ पे नाचता है पे गोला बनाएंगे और वाक्य में नीचे लिखेंगे म पे ओ की मात्रा मो र, मोर। न पे आ की मात्रा ना, च त पे आ की मात्रा ता, ह पे ए की मात्रा है। मोर नाचता है। तो ये क्या हो गया? ये आपका क्रिया शब्द हो गया। और इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि चित्र में जो दिया गया है वो क्या कर रहा है। उसके बाद चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं, बालक पढ़ता है या हंसता है। चित्र में बालक हंस रहा है इसलिए हमने गोला बनाया है हंसता है, और हमने लिखा बालक हंसता है। घोड़ा दौड़ता है या बैठा है। अब चित्र देखा हमने तो हमें घोड़ा दौड़ने के स्थिति में नजर आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा घोड़ा दौड़ता है। उसके बाद मोर नाचता है या गाता है। हम सभी को मालूम है कि मोर नाचता है और मोर को देख के भी हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि मोर ने अपने पंख फैलाए हैं, वो नाचने के स्थिति में है। तो वो नाचता है के साथ हम उस वाक्य को पूरा करेंगे। तो चलिए बच्चे आप सभी ने उम्मीद है लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो एक बार आप फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए हम अगला अभ्यास करते हैं। अब आप खोलिए अपना पृष्ठ संख्या, कल भी मैंने आपको बताया था आखिरी पेज जो आपकी किताब में दिया गया है हम उसे कर लेते हैं पहले, देखिए कहीं और कोई क्रिया से संबंधित। नहीं, तो चलिए आप आखिरी करेंगे हमारा अगला अभ्यास जो कि है पेज नंबर 59 पे। तो बच्चों आप देख सकते हैं पेज नंबर 59 पे हमें कुछ चित्र दिया आपके व्याकरण किताब में, पृष्ठ संख्या आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या, यहाँ पे पृष्ठ संख्या है 59। आप अपने बुक का पेज नंबर 59 खोलिए
आप अपने बुक का पेज नंबर 59 को। अब 59 में बच्चों हमारे यहाँ पे पास कुछ चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न हमारा है दिए गए शब्दों की सहायता से चित्रों को देखकर उनके क्रिया शब्द लिखो। अब हम चित्रों को देखेंगे और चित्र में जो क्रिया हो रहा है, जो काम हो रहा है, उनको पहचान करके उनके लिए जो जिन क्रिया शब्दों का प्रयोग हो सकता है या होता है हम उनको लिखेंगे। तो चलिए हम करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है चार। यह कुछ अभ्यास कार्य हैं, वर्कशीट से जो आपकी किताब के पीछे दी गई हैं, हम उनका अभ्यास करें। पाठ हमने पढ़ लिया, समझ भी लिया, अब अपनी समझ के हिसाब से या अपने के आधार पे हम इन वर्कशीट्स को पूरा करेंगे। तो हमारे पास है दिए गए शब्दों की द पे छोटी की मात्रा, दिए गए शब्दों, श आधा ब, द पे ओ की मात्रा दो, दिए गए शब्दों की कपे बड़ी की मात्रा की, सहायता से, दिए गए शब्दों की सहायता से चित्रों को देख द पे की मात्रा देख कर उसके क्रिया शब्दों, देखकर उसके क्रिया शब्द लिखो, उसके क्रिया शब्द, श आधा व और द शब्द, ल पे छोटी की मात्रा ली, ख पे ओ की मात्रा खो शब्द लिखो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दिए गए शब्दों की सहायता से चित्रों को देखकर उनके क्रिया शब्द लिखो। अब हमें क्या करना है, आप सभी के सामने पेज खुला हुआ है, आप देख रहे हो वहाँ पे बहुत सारे आपको चित्र दिए गए हैं। अब हर चित्र में कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, यानी कि काम हो रहा है। अब इन काम को हमें पहचानना है और ऊपर हमें शब्द भी दिए गए हैं, शब्द हमें अपने आप नहीं लिखना है, ऊपर शब्द भी दिए गए हैं, वहां से हम शब्दों को उठाएंगे और नीचे लिखेंगे। तो देख सकते हैं आपको शब्द कौन कौन से दिए हैं, चलिए हम शब्दों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम शब्दों को लिख रहे हैं, शब्दों को लिख करके देखते हैं कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे पीले रंग का बॉक्स बना है आपकी किताब में, जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इस पीले रंग के बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, चलिए उन शब्दों को हम लिख करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो शब्द है वो है भौंकता, भ औ की मात्रा भौं, क त पे आ की मात्रा ता, भौंकता भौंकता। उसके बाद दूसरा है उड़ना हो गया। तीसरा शब्द है क पे बड़े की मात्रा, कूदना पे आ की मात्रा ना, कूदना। फिर है ल पे छोटी की मात्रा ली, ख न पे आ की मात्रा ना, लिखना है। उसके बाद हमारे पास है गाना, ग पे आ की मात्रा, न पर आ की मात्रा गाना। उसके बाद हमारे पास है प, क पे आ की मात्रा का, न पे आ की मात्रा ना, पकाना। फिर हमारे पास है ख, हम यहाँ खाना लिख देते हैं, ख पे आ की मात्रा खा, न पे आ की मात्रा ना, खाना। उसके बाद हमारे पास है त पे ए की मात्रा तैरना, ये हो गया तैरना। उसके बाद हमारे पास है सोना, स पे ओ की मात्रा सो, न पे आ की मात्रा ना, सोना। उसके बाद हमारे पास है सोना के बाद है ना, न पे आ की मात्रा ना च, न पे आ की मात्रा ना, नाचना। नाचना के बाद है हंसना, ह पे छंद बिंदु स और न पे आ की मात्रा ना, हंसना। आखिर में है पीना, प पे बड़ी की मात्रा पी, न पे आ की मात्रा ना, पीना। सब दिखाई दे रहा है आपको? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए हम एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं। पहला है भौंकना, भौंकता, कौन भौंकता है बच्चों, कौन भौंकता है, भौंकना कर लेते हैं इसको, भौंकना ही होगा, भौंकना, भौंकना।
कौन भौंकता है? कुत्ता भौंकता है, और कुत्ते के भौंकने को हम भौंकना कहते हैं। यानी ये कुत्ते की आवाज़ है जो जिसे हम भौंकना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कूदना, कूदना है। उसके बाद गाना, तैरना, नाचना, पीना, फिर है खाना, उड़ना, लिखना, पकाना, सोना, हंसना। अब इन शब्दों का प्रयोग करके हम नीचे दिए गए चित्रों को के नाम लिखेंगे, मतलब जो काम हो रहा है उन शब्दों को लिखेंगे, क्योंकि ये सारे काम वाले शब्द हैं, इनसे हमें किसी न किसी काम के होने का पता चल रहा है। अब इन शब्दों को नीचे दिए गए काम के चित्रों के नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहला जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो लिखने का हो रहा है। सबसे पहला काम है लिखने का, तो हम यहाँ पे लिखना ढूंढेंगे। लिखना कहाँ है? ये है लिखना। अब इसके नीचे मैंने वन लिख दिया ताकि हम जब काम करें, जब हम आगे का अभ्यास करें तो हमें समझ में आए कि हमने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर लिया है। तो यहाँ पे हम पहले चित्र के नीचे लिखेंगे ल पे छोटी की मात्रा, ली ख ना। यहाँ कौन सा काम हो रहा है पहले चित्र में? पहले चित्र में लिखने का काम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे लिखना। उसके बाद हमारे पास दूसरा चित्र है, दूसरे चित्र में कौन सा काम हो रहा है? कूदने का काम हो रहा है। दूसरे चित्र में कूदने का काम हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कूद, न पे आपकी मात्रा ना, कूदना। और कूदना के नीचे हम टू लिखेंगे, दो लिखेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमने किन किन शब्दों का उपयोग कर लिया है, किन किन को हमने लिख लिया है। अब पहले में लड़का लिख रहा है, लिखने का काम हो रहा है, इसलिए आपने यहाँ से लिखना शब्द उठाया और यहाँ लिखा लिखना। आप ये चित्र के नीचे लिखेंगे। उसके बाद आपके पास है कूदना, उसके बाद है कूदना। तो आपने यहाँ पे कूद, लड़की कूद रही है, तो आपने यहाँ से कूदना शब्द उठाया और नीचे लिखा कूदना। उसके बाद हमारे पास है तीसरा, तीसरे में कौन है बच्चों? तीसरे में चिड़िया है। चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ रही है के लिए हम क्या लिखेंगे? उड़ना। तो ये शब्द है उड़ना, हम यहाँ लिखेंगे उड़ना। उड़ना पे आपकी मात्रा ना, उड़ना। तीसरा है उड़ना, इसलिए हमने यहाँ लिखा उड़ना। उसके बाद हमारे पास है कुत्ता, आप देख रहे हैं उसके मुंह से आवाज़ निकल रहा है, भौंकने का आवाज़, तो भौंक रहा है, इसका मतलब है कुत्ता भौंक रहा है। चित्र है कुत्ते की, उसके मुंह से आवाज़ निकल रही है, जो कुत्ते मुंह से आवाज़ निकलती है उसे हम भौंकना कहते हैं। तो यहाँ पे भौंकना लिखेंगे, चार में लिखेंगे भौंकना। भौंकना कहाँ लिखा है? सबसे पहला शब्द है भौंकना, उसके नीचे हम चार लिखेंगे और चार के सामने हम लिखेंगे भ, भ पे अ की मात्रा, एक पाई दो तिरछी बिंदी, क और न पर आपकी मात्रा ना, भौंकना, भौंकना। उसके बाद हमारे पास अगला चित्र किसका है बच्चों? अगला चित्र एक लड़की का है, क्या कर रही है लड़की? लड़की गाना गा रही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? गाना गाने के लिए कोई शब्द है? बिल्कुल, यहाँ पे पांचवा है ये गाना, यहाँ गाना लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाँच। अब पाँच में हमारे पास है ग पे आ की मात्रा गा, न पे आ की मात्रा ना, गाना। पाँच गाना। उसके बाद हमारे पास है गाना, के बाद हमारे पास चित्र है, चित्र में क्या हो रहा है? चित्र में शेफ है, और वह क्या कर रहा है? शेफ खाना बना रहा है। तो खाना शब्द दिया है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से अगला चित्र है बच्चों, अगला चित्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं खाना पक रहा है, तो यहाँ पे खाना पक रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पकाना। प पाँच हो गया, छः में हम लिखेंगे पकाना, छः में है प, क पे आ की मात्रा का, न पे आ की मात्रा ना, पकाना। छः में हम लिखेंगे पकाना, पकाना। पकाना के बाद आप देख सकते हैं लड़की सो रही है, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? सोने का काम हो रहा है, तो हम लिखेंगे सोना। जगह सोना हम ढूंढते हैं, सोना, सोना। साथ में हम लिखेंगे सोना, तो साथ में हो गया सो और ना, यहाँ पे लिखेंगे सो, न पे आपकी मात्रा ना, सोना। उसके बाद बच्चों क्या हो रहा है? खाना खाने का काम हो रहा है, तो अगले में लिखेंगे आठ में हम लिखेंगे खाना, यहाँ पे खाना ढूंढते हैं, खाना लिखा है, हाँ बिल्कुल खाना लिखा है,
इधर है खाना, तो हम यहाँ से उठाएंगे खाना, आठ में हम लिखेंगे खाना। यहाँ खाना का मतलब है खाने का काम हो रहा है, तो हमने लिखा यहाँ पे खाना। उसके बाद हमारे पास खाना के बाद चित्र है तैरना। यहाँ पे लड़का क्या काम कर रहा है, तैरने का काम कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे तैरना। खाना के बाद हम लिखेंगे आठ नौ में हम लिखेंगे तै, त पे ए की मात्रा तै, र न पे आ की मात्रा ना, तैरना। तैरना ढूंढते हैं, ये है तैरना। हम यहाँ लिखेंगे नौ, नौ में हमने लिखा तैरना, क्योंकि लड़का तैर रहा है, तैरने का काम हो रहा है, इसलिए हमने लिखा तैरना, तैरना। उसके बाद हमारे पास है तैरना के बाद हमारे पास है अगला चित्र हमारे पास है हंसना। लड़का हंस रहा है, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, हंसने का काम हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे हंसना। नौ के बाद दस में हो रहा है ह पे चंद्र बिंदु, स न पे आ की मात्रा ना, हंसना। तो हंसना ऊपर जहाँ पे लिखा है वहां पे हम दस लिखेंगे हंसना। दसवें चित्र में हंसने का काम हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे हंसना, हंसना। दसवें चित्र में हंसने का काम हो रहा है, इसलिए हमने लिखा हंसना। अब ग्यारहवां चित्र क्या है, हंसने के बाद वाले चित्र में क्या हो रहा है, पीने का काम हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे पी ना, पीना। प प पे बड़ी की मात्रा, पी न पे आ की मात्रा ना, पीना। अब यहाँ पीना के नीचे हम ग्यारह लिखेंगे पीना। पीना के बाद हमारे पास है, पीना के बाद अगले चित्र में आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, नाचना। यहाँ पे बच्चा नाच रहा है, आखिरी वाले चित्र में बच्चा नाच रहा है, यानी नाचने का काम हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे न पे आ की मात्रा नाचना, नाचना, नाचना। अब ऊपर नाचना जहाँ लिखा है वहां पे हम बारह लिखेंगे। तो हमने सारे शब्दों का प्रयोग कर लिया, जितने भी चित्र दिए थे उनको पहचान करके, उनमें हो रहे काम को पहचान करके, और उन सभी कामों के नाम को हमने उसके नीचे लिख करके इस अभ्यास को पूरा कर लिया। तो आप देख सकते हैं, आप एक बार फिर अपने बुक में देखिए बच्चों, क्योंकि बोर्ड पे मैंने चित्र नहीं बनाया है और आपकी किताब में चित्र बने हैं, तो पहले चित्र में बच्चा लिख रहा है, इसलिए हमने लिखा लिखना। दूसरे चित्र में बच्चा, लड़की कूद रही है, इसलिए हमने लिखा कूदना। तीसरे चित्र में चिड़िया उड़ रही है, इसलिए हमने लिखा उड़ना। और चौथे चित्र में बच्चों, चौथे चित्र में कुत्ता भौंक रहा है, इसलिए हमने लिखा भौंकना। पांचवें चित्र में लड़की गाना गा रही है, इसलिए हमने लिखा गाना। छठे चित्र में खाना पकाने का काम हो रहा है, इसलिए हमने पकाना यहाँ लिखा पकाना। सातवें चित्र में सोना, सोने का काम हो रहा है, लड़की सो रही है, इसलिए हमने लिखा सोना। आठवें चित्र में खाना खाने का काम हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ लिखा खाना। नौवें चित्र में तैरने का काम हो रहा है, बच्चा तैर रहा है, इसलिए हमने लिखा तैरना। तो हमने काम के नाम लिखे हैं, तैरना यानी अब यहाँ पे तैरने का काम हो रहा है, तो हमने तैरना लिखा। और उसके बाद वाले चित्र में बच्चा हंस रहा है, तो हमने लिखा हंसना। उसके बाद वाले चित्र में लड़की पानी पी रही है, तो हमने लिखा पीना। आखिरी चित्र में बच्चा ये गाना बजा करके नाच रहा है, इसलिए हमने लिखा नाचना। इस तरह से बच्चों हमने इस अभ्यास को भी पूरा कर लिया। चलिए हम एक और अभ्यास दिया गया है जो आपके किताब के आखिरी पृष्ठ पे है, यानी कि पृष्ठ संख्या आप देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या है 64। तो यहाँ पे पृष्ठ संख्या हम बदल दें, ये है 64, हम यहाँ पे लिखेंगे 6464। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे अभ्यास है, इसमें भी हमें क्रिया शब्दों को छांट करके अलग लिखना है। यहाँ पे हमें क्रिया शब्दों को छांट करके अलग लिखना है, तो पहले हम उसे अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद अलग लिखेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे अब इस पाठ में हमने क्रिया पढ़ा, तो हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं सब क्रिया से ही संबंधित कर रहे हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित ये प्रश्न तीन है, इस वर्कशीट का प्रश्न तीन है, तीसरा प्रश्न है, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो अलग अलग पाठ से संबंधित है, लेकिन हमें यहाँ पे क्योंकि हमने क्रिया पढ़ा है, क्रिया के अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए हम क्रिया वाले प्रश्नों को ही यहाँ पे
कर रहे हैं। तो यहाँ पे निम्न वाक्यों में क्रिया शब्द छाट कर लिखो। न पे छोटी की मात्रा, आधा म और न, निम्न वाक्यों वाक्यों में, म पे की मात्रा में, निम्न वाक्यों में क्रिया छाट कर, हमें निम्न वाक्यों में मतलब नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया छाट कर लिखना है। क्रिया में हम कोलन के अंदर क्रिया को रखेंगे, क्रिया छाट, छ पे आ की मात्रा, चंद्रबिंदु, छाट कर और र कर लिखो। तो बगल में हमें जगह दी गई है, वहां पे हम लिखें। तो लिखिए, ल ल पे छोटी की मात्रा, ली ख पे छोटी की मात्रा, खी ए, क्रिया छाट कर लिखिए। अब उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा जो पहला है, पहला है क, क में हमारे पास है क, क में हमारे पास है रोगी खांसता है, र पे ओ की मात्रा रो, ग पे बड़ी की मात्रा गी, ख पे आ की मात्रा चंद्रबिंदु खां, स त पे आ की मात्रा ता खांसता, ह पे ए की मात्रा है रोगी खांसता है। अब बच्चों हमें किन शब्दों से काम होने का पता चल रहा है, इस वाक्य में हमें किन शब्दों से काम होने का पता चल रहा है, हमें यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं, वाक्य दिया गया है इसमें किन शब्दों से खांसने का पता चल रहा है। यहाँ पहला वाक्य है रोगी खांसता है, तो यहाँ पे हमें खांसता है, खांसता है से काम होने का पता चल रहा है। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, खांसने का काम हो रहा है, तो खांसता है से हमें काम होने का पता चलता है, इसलिए हम खांसता है को बगल में लिखेंगे, यानी कि जो यहाँ पे स्थान दिया खा स, त पे आ की मात्रा ता, ह पे ए की मात्रा है, खांसता है, रोगी खांसता है। तो हमने यहाँ पे खांसता है से काम होने का पता चल रहा है, कौन सा काम हो रहा है, खांसने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे खांसता है। तो ये क्या हो गया, खांसता है क्रिया शब्द हो गया। उसी के बाद दूसरा वाक्य है बच्चों, बंदर उछलता है, ख है बंदर, ब पे बिंदी बंदर, बंदर उ छ ल, त पे आ की मात्रा ता, ह पे ए की मात्रा है उछलता है। यहाँ पे वाक्य है बंदर उछलता है। अब वह कौन से शब्द है जिनसे हमें काम होने का पता चल रहा है, तो बंदर क्या हो गया, बंदर तो संज्ञा हो गया, संज्ञा द्वारा काम क्या हो रहा है, उछलने का काम हो रहा है, तो यहाँ उछलता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उछलता है, क्योंकि उछलता है से हमें उछ ल पे आपकी मात्रा ता, ह पे ए की मात्रा है से हमें काम होने का पता चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे अलग लिखेंगे उछलता है, बंदर उछलता है। यहाँ पे बंदर द्वारा काम किया जा रहा है और क्या काम हो रहा है, उछलने का काम हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा बंदर उछलता है, काम हो रहा है उछलता है से, तो हमने यहाँ पे उछलता है को छाट के अलग लिखा। तो दिए गए वाक्य में से क्रिया शब्दों को छाट करके हमें अलग लिखना है, तो हमने क्रिया शब्द को छाट कर अलग लिखा। उसके बाद ग, ग में हमारे पास है ग, ग में मोहन रूठ गया है, मोहन म पे ओ की मात्रा मो ह न, मोहन र पे बड़े की मात्रा और ठ रूठ ग या गया है, मोहन रूठ गया है, तो यहाँ पे रूठ गया, यहाँ पे हम रूठ गया को लेकर के बगल में लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे रूठ गया से हमें काम होने का पता चलता है, रूठ ग या रूठ गया, मोहन रूठ गया से हमें काम होने का पता चलता है, इसलिए हम रूठ गया बगल में लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम रूठ गया बगल में लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है घ, घ है, ये घ है, घ में हमारे पास है मोहन मोर नाचता है, घ में हमारे पास है म पे ओ की मात्रा मोर, मोर न पे आ की मात्रा ना च, मोर न पे आ की मात्रा ना च, त पे आ की मात्रा ता, ह पे ए की मात्रा है मोर नाचता है, मोर नाचता है,
न पे आ की मात्रा ना च ता ह पे आ की मात्रा है। मोर नाचता है, यहाँ पे नाचता है से काम होने का पता चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नाचता है लिखा। तो इस तरह से बच्चों हमने कुछ अभ्यास वाक्यों को लेकर अभ्यास किया। आगे और भी बहुत सारे वाक्य हैं जिनका हम अगले वीडियो में अभ्यास करेंगे। तो बच्चों जो भी आज हमने किया उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। तो आप इसे लिख लीजिए।